मैं आपको बोलती हूँ सर, ये टाइम टेबल्स लेते हैं, वी आर मैनेजिंग इन वेरी लेस मैन पावर. हमको नॉन कोविड भी देखना पड़ रहा है, कोविड भी देखना पड़ रहा है, और जो एक लेक्चरर होता है उसके ऊपर चार जिम्मेदारी होती है, 24 आवर्स हम उसको रोटेट करते हैं. इन स्पाइट ऑफ दिस आई विल जस्ट टेक द फीडबैक्स. अभी आप यहाँ पर घाटी डीन ऑफिस जो पहुँचे हैं, तो किस ताल्लुक से पहुँचे हैं? आज हम लोग जो है तो घाटी में डीन मैडम के पास आए थे, मगर डीन मैडम कोविड पॉजिटिव होने की वजह से वो आज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. जो एक्टिंग डीन है रोटे मैडम, उनसे हमारी मुलाकात हुई है. रोटे मैडम के पास हमारा सवाल ये था कि हमको जो है तो डेली रजिस्टर जो लेक्चरर्स का, असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, प्रोफेसर्स का होता है, उसकी कॉपी हमें दी जाए. कंप्लेन ये है कि पिछले 3 महीने से लगातार जो है तो ना लेक्चरर्स ICU के अंदर राउंड मार रहे हैं, ना असिस्टेंट लेक्चरर्स मार रहे हैं, ना असिस्टेंट प्रोफेसर्स मार रहे हैं. ये लोग अपने घर पर बैठकर सारा कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं जनाब, जबकि होना ये चाहिए कि ये लेक्चरर्स ने, ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने जो SHB बिल्डिंग है, जो ICU की बिल्डिंग है, जो मेडिसिन बिल्डिंग है, वहाँ पर जो इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं या जिनकी जान के ऊपर बना ऐसे पेशेंट होते हैं, तो उनके लिए इनका अवेलेबल वहाँ पर रहना ज़्यादा ज़रूरी है. मगर हो ये रहा है कि सारा घाटी हॉस्पिटल, घाटी एडमिनिस्ट्रेशन ने छोड़ दिया है JRs के भरोसे पे, और सारे जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये घर में बैठे बैठे जो है तो पेशेंट का ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. जबकि होना ये चाहिए कि दिन में 3 शिफ्ट होना चाहिए लेक्चरर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, प्रोफेसर्स की, ICU के अंदर होना चाहिए, SHB के अंदर होना चाहिए, मेडिसिन के अंदर होना चाहिए, मगर ये सब नहीं हो रहा है. और प्रोफेसर अपने घर पर बैठ के जो है तो व्हाट्सएप के द्वारा जो है तो पेशेंट का ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. JRs भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, JR से कोई शिकायत नहीं है, मगर जहाँ पर कोई सेंसिटिव इशू है, और JR जो है तो जब अपने असिस्टेंट प्रोफेसर से या लेक्चरर से उसका जो है तो मशवरा लेता है कि सर इसको क्या करना चाहिए, तो ऐसे हाल में जो वो 10-15-20 मिनट का गैप होता है जिसकी वजह से पेशेंट की जान पर बनाती है, वो नहीं होता अगर ये जो है तो JR, अगर ये प्रोफेसर और लेक्चरर जो है तो वहाँ पर अवेलेबल होते. दूसरा इशू ये है कि कैजुअल्टी बिल्डिंग के अंदर, अपघात विभाग के अंदर जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, या कोई कोविड का आता है या एक्सीडेंट का आता है, तो अपघात विभाग के अंदर सीधा पेशेंट जाता है, तो अपघात विभाग के अंदर सिर्फ 1 JR है और बाकी जो तो नर्सेज और ब्रदर्स हैं. जबकि होना ये चाहिएगा कि इमरजेंसी के अंदर कम से कम 4 से 5 JRs होना चाहिए और 1 लेक्चरर वहाँ पर 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, ताकि कोई इमरजेंसी केस आता है तो ये JR परेशान ना हो और लेक्चरर जो है तो एक बेटर ऑप्शन लेकर जो है तो पेशेंट की जान बचा सकता है. अच्छा, ये इस बीच में अगर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जैसा सीनियर आप बता रहे कि व्हाट्सएप पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं जी, उस बीच अगर कोई पेशेंट के साथ कोई हादसा होता है मिस ट्रीटमेंट मिलने की वजह से, तो उसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप? देखिएगा साहब, पिछले 4 दिन के अंदर घाटी के अंदर जो है तो कोविड डेथ रेट्स बढ़े हैं. डेथ रेट्स बढ़ने की वजह क्या है कि अगर कोई पेशेंट NIV के ऊपर है या O2 के ऊपर है और उसकी सेचुरेशन डाउन हो रहा है, तो ऐसे में एक लेक्चरर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर अच्छा एक फैसला ले सकता है कि पेशेंट की जान किस तरीके से बचाया जाए, और JR वो फैसला नहीं ले सकता क्योंकि JR के पास वो अथॉरिटी नहीं है. अगर उसको वेंटी लगाना है या NIV लगाना है तो ही शुड हैव अ परमिशन फ्रॉम हिज लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद ही लगाते हैं. तो JR जो है तो अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है, मगर अगर वहीं पर लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर का इनको थोड़ा सपोर्ट मिले, साथ मिले, तो इंशाल्लाह ये और पेशेंट की जान बचा सकते हैं. तो मजलिस की मांग यही है कि ये लेक्चरर ने, असिस्टेंट प्रोफेसर ने जो लाखों की पगार आपके और मेरे पैसों से खा रहे हैं, तो इन्होंने जो है तो फील्ड के ऊपर रहना चाहिए, ना कि जो है तो व्हाट्सएप के ऊपर ट्रीटमेंट करना चाहिए. जदा तो ये थे, देखिए AIMIM के समीर साजिद साहब, जो अपने मतलब पेशेंट के ताल्लुक से जो आज उन्होंने उनके विचार बताए कि यहाँ पर इतनी लापरवाही से जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जैसे स्टूडेंट के भरोसे पर घाटी मेडिकल चल रहा है,
हमारी डीन से और प्रशासन से अपील है कि इस पे ध्यान दिया जाए ताकि ये पेशेंट के साथ में कोई लापरवाही ना हो, ना कि कोई पेशेंट के साथ कोई हादसा पेश आए। मैं देश विकास न्यूज़ चैनल से मोहम्मद फहीम, कैमरामैन अबरार बेग के साथ।